हो गए बेघर, टूट गए सपने, इस महामारी में बिछड़ गए अपने। भर आई आंखें पर नहीं टूटी उम्मीद, ना जाने कहां ले जाएगी ये जिंदगी। अब तो जैसे तैसे जान बच जाए, बस इसी की है उम्मीद। कुछ ही हफ्तों पहले की ही तो बात है, सब कुछ ठीक था, जिंदगी पटरी पर थी, रोज का करना, रोज का खाना, सब कुछ सही था। लेकिन चीन से निकलकर इस वायरस ने ऐसा हाहाकार मचाया कि लाखों लोग घर से बेघर हो गए। लाखों लोगों को ये पता नहीं कि 2 जून की रोटी कैसे मिलेगी। लोग कई सौ किलोमीटर चलकर अपने घरों तक पहुंचे हैं, लेकिन देश के हालात अभी भी ठीक नहीं हैं। और इस तरह के लोगों की मदद के लिए दिल्ली पुलिस आगे आ रही है। तस्वीर दिल्ली के कोटला मुबारकपुर से रैन बसेरे की है, जहाँ पर जो लोग पुलिस को अपने घरों की तरफ जाते दिखते हैं या फिर जो बेघर हो गए हैं, उन्हें यहाँ रखा जा रहा है। खास बात यह है कि इस रैन बसेरे की निगरानी खुद पुलिस के जवान करते हैं। देखिए इस रैन बसेरे के हालात। हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं, पिकेट्स लगी हुई हैं हमारी हाईवे पे, तो जो भी इस तरह के माइग्रेंट्स हमको मिलते हैं, जिनको ज़रूरत है रुकने की, जिनका दिल्ली में एक जगह से आ चुके हैं लेकिन अभी रुकने के कोई जगह नहीं है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, तो उन सारे लोगों को हम वहाँ से ला के पिकेट से पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ रैन बसेरे में ले आते हैं। यहाँ ला के यहाँ का जो सुपरवाइज़र है उनके हवाले करते हैं, उनकी प्रॉपर एंट्री करवाते हैं, अपने SHO साहब से बात करते हैं और बीच बीच में उनका विजिट करते रहते हैं। एंट्री का मेंशन यहाँ पे जो गार्ड लगे हुए हैं और जो केयरटेकर है इस रैन बसेरे का, उसके रजिस्टर में एंट्री करवाते हैं, इसके बाद अपने वहाँ जाके थाने में उन सब की एंट्री करते हैं। बीच बीच में आते हैं, इनसे पूछते हैं और जो हमने एंटर करवाए हैं उन लोगों से बात करते हैं, उनको खाना पीना मिल रहा है नहीं मिल रहा है सारी देखते हैं।